हेलो एवरीवन, मैं निशा, मेरे बेल प्लेट किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे लेयर्ड आलू पेटीज, जो बहुत ही कम समय में और बहुत कम मेहनत में बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 2 स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग, 1 मीडियम साइज बारीक चॉप्ड किया हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। प्याज को हल्का सा सॉटे करेंगे। प्याज हल्का सा भून चुका है, इसमें डालेंगे महीन चॉप किया हुआ 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च को मिला देंगे। इन सब्जियों को बहुत अधिक पकाना नहीं है, इनको बस हमको हल्का सा क्रिस्प करना है। सब्जियां अच्छे से भून गई हैं, इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हम डालेंगे 4 उबले हुए आलू, इनको हमने मैश कर लिया है, इनको अच्छे से मिला देंगे। वन फोर टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इसको मिला देंगे। आलू अच्छे से भून चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। क्योंकि पेटीज के अंदर जो स्टफिंग होती है वो हल्की सी गीली होती है। चॉप्ड हरा धनिया, ये है चॉप्ड मीठी नीम, ये ऑप्शनल है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। स्टफ आलू बिल्कुल तैयार है। अब इसके बाद हम मैदे का डो लगाकर तैयार करेंगे। अब हम लगाएंगे मैदे का डो। इसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, डालेंगे 4 चम्मच ऑयल मोयन लगाने के लिए, हल्का सा नमक डाल देंगे। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे में मोयन अच्छे से हो गया है, अब इसका हम डो लगाएंगे। मैदे का डो ना अधिक बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत टाइट होना चाहिए। मैदे का चिकना डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। इस डो को 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रखेंगे। अब हम मैदे और रिफाइंड का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदे को घोलने के लिए हम डालेंगे रिफाइंड। डो को चेक कर लेते हैं। और इसको आपको जितनी परतों का बनाना हो उतनी लोइयां आप काट लें। अब सारी लोइयां हम इसमें रख देंगे और एक एक लोई को लेते हुए इसमें लगाएंगे मैदा और इसको पतला पतला बेल करके तैयार करेंगे। जितना पतला आप बेल पाए उतना पतला इसको बेलिएगा आप। अब इन रोटियों को हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। सारी लोइयां बेलकर हमने तैयार कर ली हैं। इतने मैदे में 6 परतें बनकर तैयार हुई हैं। पहले हम एक परत बिछाएंगे। हमने मैदे वाला घोल तैयार किया था, इसमें लगाते जाएंगे। बस इसमें जो ये मैदे का घोल है ये अच्छे से लगाइएगा। अब इस पर लगाएंगे दूसरी परत, इस पर भी मैदे का घोल लगाएंगे। सारी परतें हमने एक ऊपर एक रख करके बराबर से लगा दी हैं। अब इसको चौकोर शेप में काट लेंगे
और जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको निकाल हटा देंगे। ये देखिए एकदम चौकोर शीट बनकर तैयार हो गई है। अब इसके हम चार हिस्से करेंगे। इसको हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये लेंगे एक पीस, इस पर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे, इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। जितनी बड़ी पेटीज बनानी है आपको उतना बड़ा पीस आप बेल लीजिए, उसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि इसकी जो परतें हैं चिपके ना आपस में। सारे पीसेस हम ऐसे ही बेल कर तैयार करेंगे। सारे पीसेस हमने बेल लिए हैं। हम लेंगे एक पीस, इसमें एक चम्मच स्टफिंग भरेंगे। और ये है मैदे की सलरी, इसको हमने मैदे और पानी से घोल कर तैयार किया है। इसको चारों तरफ लगा देंगे और बीच से इसको हल्का सा दबाते हुए इसको बंद कर देंगे। सारी पेटीज हम ऐसे ही भरकर तैयार करेंगे। कढ़ाई में हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। मैदा हल्का सा सिककर ऊपर आ गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे पेटीज, इसको हम पलट देंगे। पेटीज गोल्डन ब्राउन सिक गई है, इसको हम निकाल देंगे। अनगिनत परतों वाली आलू पेटीज बनकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आई होप आप सबको मेरी आलू पेटीज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो आप भी इसको अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करें। ओके बाय बाय।